सबसे पहले तो अपना नाम बताइए आप। मीनू भाई, प्रभु भाई। मीनू भाई, प्रभु भाई, प्रभु भाई, मोटा भाई। हाँ, ये जो आपका कांधा रखने का चाल है, इसका जो है हवा से आप लोग इसको स्टोर करते हैं, तो मतलब इसका फेस जो है, मुंह जो है, पश्चिम की तरफ रखते हैं। हाँ, एग्जैक्ट पश्चिम होका ये तरफ रखकर बनाया है। अच्छा, बीचों बीच में रखकर होका ये तरफ बनाकर असल एकदम पश्चिम। हाँ, पूर्वमा से दिशा पश्चिम बताते हैं, ये पश्चिम में ये बड़े स्लॉट मुका। अच्छा, उसकी आवाज सीधे सीधे पश्चिम से नैऋत्य हुई कड़ीगांव में बेनू को नाम फंस आई है। अच्छा, तो इसमें जो है हम लोग की वैरायटी एग्रीफार्म लाइट रेड और एनएचआरडी आपने रखा था, तो कितनी ऊंचाई तक आप रखते हैं? 6 फुट भरे। अच्छा, 6 फुट तक ऊंचाई तक आप रखते हैं? भरी थी। अच्छा, बात में इतना बैठ गए धीरे धीरे बैठ गए। अच्छा, 5.5 फुट। अच्छा, भरेगा तो इसमें जो जब आपने कांधा अप्रैल में निकाला, फिर इसके बाद स्टार्टिंग रेडी कर करके आपने यहाँ पर रख दिया, तो फिर इसके बाद जब 6 या 7 महीने के बाद निकाला तो कितना नुकसान हुआ? नुकसान में सर 20% का नुकसान होती है। अच्छा, 15 से 20% आपका नुकसान होगा। तो कुल मिलाकर के अगर ऐसे स्टोरेज बनाया जाए किसानों के पास या कहीं रिसर्च स्टेशन में बनाया जाए, तो उससे प्याज में नुकसान को कम किया जा सकता है। आपके हिसाब से इसमें खर्चा कितना आया होगा? यह मेला को एक खाना का 5 लाख रुपए खर्च होगा। मतलब हम इसको जो है कंक्रीट का ही बनाए और बाद में इसको जो है ये रेशम के लिए ऐसे बनाते हैं हवा आने के लिए, और ये बम्बू लगा करके इस पर प्याज को अगर हम रखते हैं तो भंडारण में कम नुकसान होगा, यही ना? तो इस तरह से अगर किसान जो है बनाते हैं तो उसका नुकसान कम होगा। तो किसानों के लिए आप थोड़ा सा बोले इसके बारे में कि कैसे इसको बनाए। बीजो नंबर खरीदी पे कोई फेर बीजी वक्त शोर्टिंग करनी नहीं पड़े। अच्छा अच्छा, एक बार डाल दी। हाँ, निकलना समय आता है दे दी। अच्छा, एक बार आप कांधा डाल दिए तो बीच में स्टार्टिंग रेट आपको देखनी पड़ती है, ऐसे जरूर पड़ी नहीं। और लास्ट में अक्टूबर नवंबर महीने में निकालते हैं तो 15 से 20% का नुकसान केवल होता है, इससे किसान को बहुत ज्यादा फायदा होता है। तो इस तरह से चाल यहाँ पूरे गुजरात में इस तरह का बनाया जाता है, इस तरह का बना करके किसान भंडारण करते हैं। बहुत नहीं है, मोरबी तालुके में खाली 5 बेड़ा है। अच्छा, 4 से 5। अच्छा, तो दरेक खेड़ों पास ये सगवड़ता तो नहीं, सरकार लोन देती है ना देती है, એટલે પોતાને માથા પર બના કર જ બના બનાને કા। तो आपके हिसाब से अगर ऐसा कांधा रखने का भंडारण बनाया जाए तो बहुत अच्छा भंडार किया जा सकता है। इसमें बिजली और बिजली का खर्च नहीं है, लाइट का खर्च नहीं है, तो किसान के लिए कम से कम पैसे में ये बन जाएगा और नुकसान भी कम से कम होगा, जिससे कि किसानों की आमदनी बढ़ेगी। चलिए, हम ये चाहते हैं कि आप ये अच्छा चीज बनाए हैं ये भंडारण के लिए, तो हम भी कोशिश करेंगे कि किसानों को जो है हम ये टेक्नोलॉजी आपकी बताएं, ताकि और सारे किसान इससे इसको बनाएं और जो है उसका कम से कम नुकसान करें और अपने कांधा को मार्केट में ले जाकर बेचें। लेगा भाव सारे के बीच में ये हम साथ चलने के लिए सही सपोर्ट का मिल जाती है, तो वो तो खेल रखना है, नहीं तो रखना क्या पड़ेगा? बहुत प्रमुख लिया तो भी तो राज साथ नहीं है तो बेचेंगे। चलिए, बहुत बढ़िया आपने एक जानकारी दी जो कि ये किसानों के लिए फायदेमंद होगा, और प्याज का उत्पादन करके किसान इसमें रखेंगे तो उनकी आर्थिक जो स्थिति है मजबूत होगी और बीज उत्पादन करके देश में अपना भागीदारी बना सकते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत।